हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आप कैसे हो? सब ठीक? तो आज बनाते हैं फिश करी। ये करली है, ये बहुत काटा वाला फिश है, तो इसकी आज बनाएंगे करी। इसको काटते भी है ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, मतलब त्रिकोण में काटते हैं ऐसे लंबे लंबे, क्योंकि इसमें कांटे रहते हैं। तो उसके लिए लगेगा अपना ये मसाला जो है, एक कांदा, लहसुन, मिर्ची, ये हल्दी और चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा चावल एक चम्मच, नारियल और धनिया और जीरा, ये सब में पीस के उसका जूस निकालूंगी, मिक्सर में पीस के उसका जूस निकालूंगी। ये देखो, सब ऐसे ही डाल के इसका जूस निकालेंगे। ये 10-12 मैंने मिर्ची ली है, क्योंकि हम लोग को तीखा लगता है खाना इसके लिए, और थोड़ा मिर्ची पाउडर। तो आपको ऐसा लगता है तो आप कम ले लीजिए, ये सब पीसने का, और इमली भी इसमें पीसने का है। ये जो है इमली, इतना इतना एक छोटा सा राउंड बॉल ले लीजिए और उसको भी इसमें पीस दीजिए। चलो तो फिर बनाते हैं करली फिश का करी जो है रेड कलर। तो मैं अभी इसमें तेल डाली हूँ, तो एक प्याज मैंने लिया था, तो उसका अपन बघार देंगे। ये देखो मैंने कट किया है, ये प्याज को थोड़ा गुलाबी कर देंगे। देखो अपना प्याज हो गया गुलाबी। अब डालेंगे ये अपना मिर्ची और हल्दी इसके अंदर, और डालेंगे ये जूस। ये मैंने मसाला पीस के जूस निकाला है, डालेंगे अपना नमक, जो बहुत ज़रूरी होता है नमक डालने के लिए, स्वाद अनुसार नमक डालो। थोड़ा फिश को भी लगा के रखा है मैंने नमक। ये देखो, आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप और पानी डाल सकते हैं, हमको इतना बस है, तो शायद थोड़ा लगे तो मैं डाल दूंगी। तो अपना करी बॉईल हो रही है। देखो मैंने फिश काटा है इस तरह से का, और अब डालेंगे करी में फिश। नमक लगा के रखा था मैंने, तो आप नमक अभी एडजस्ट करना चाहिए। अगर लग रहा है ज़्यादा तो आप डाल सकते हैं। इसको थोड़ा 5 मिनट तक बॉईल करेंगे। अपना फिश अभी पक गया है, अब डालेंगे ये जादू। ये जादू डाल के देखो आप, कभी तेल में मत डालो, ऐसे ऊपर डालो और उसका फ्लेवर देखो क्या आता है, निखर के आता है एकदम, बहुत मस्त टेस्ट लगता है इसका। बहुत एकदम टेस्टी लगता है ये, ऐसे बनाओगे ना आप करी, बहुत टेस्टी लगता है। तो सब्सक्राइब करने मत भूलना, और मैसेज भी करो बना के कैसे लगा है, कैसे बनाया और कैसे लगा। तो थैंक यू वेरी मच।
अब गैस करो बंद। ये देखो अपना करी तैयार है सर्विंग के लिए, तो इसको राइस के साथ खाओ। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।